नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी कर चुका है। भारत सरकार ने ट्विटर को बता दिया है कि वो 28 जून और 2 जून को भेजे गए जवाब से निराश है और जो पूछा गया था उसको लेकर ना तो स्थिति साफ हुई है और ना ही नियमों को पूरी तरह से लागू किया गया है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि उन्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है और जो छूट उन्हें मिली हुई है उसे खत्म कर दी जाएगी। ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा है, जबकि ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट ग्रीवेंस अधिकारी और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन ट्विटर के कर्मचारी नहीं है। ट्विटर ने जो पता दिया है वो लॉ फर्म के दफ्तर का है, जो कि नए नियमों के लिहाज से वैध नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरी अल्टीमेटम क्या है। देखिए, अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया गया है। ट्विटर को सरकार की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है, तो एक एक जानकारी अब साझा करनी होगी। नॉमिनेट नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है, इन चीजों को समझना होगा। बताया गया है कि ऑफिस एड्रेस एक लॉ फर्म का है और वो भी वैध नहीं है, उसकी वैधता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरी अल्टीमेटम में इन बातों का जिक्र किया गया है और ट्विटर को तरीके से अब सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से एक आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, इसमें क्या कुछ है और इस आखिरी अल्टीमेटम के बाद सरकार की तरफ से क्या रुख हो सकता है? देखिए, फरवरी में ही सरकार ने नए नियम और गाइडलाइंस तय किए थे और 3 महीने सभी सोशल मीडिया जो जिनके 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको 3 महीने का अंदर उसे कंप्लायंस करना था, जिसमें आपने बताया भी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की चाहिए, एक एड्रेस चाहिए जिस जो उस फर्म का होना चाहिए और इसके अलावा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये मानना कि ओरिजिन के बारे में अगर पूछना, क्योंकि ट्विटर पर जो पोस्ट होते हैं या सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होते हैं अगर किसी को आपत्ति होते हो तो वो अपनी शिकायत कहाँ करे, शिकायत निवारण किससे करे और कौन सा एड्रेस पर जाए, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए एक नियम गाइडलाइंस तय किया गया था और आप देखिए कि ट्विटर इसको लगातार उल्लंघन करते रहा और अब जो फाइनल और अंतिम अल्टीमेटम के साथ नोटिस गया है उसमें यही कहा गया कि आप तीनों चीज़ों को जो आपने भेजा है वो जो शर्त है उसको पूरा नहीं करता है। और जो हमें जानकारी मिल रही कि ट्विटर इंडिया जिसने अधिकारी का नाम दिया वो एक लॉयर शायद है और उसी का फर्म का एड्रेस है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने साफ तौर पर उससे इंकार कर दिया है, उसे मानने से मना कर दिया है और ये कहा कि अगर जो गाइडलाइंस है उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो आपको जो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो छूट मिली हुई है, सभी सोशल मीडिया को जो छूट मिली हुई है इंटरमीडिएरी का, यानी शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो बिचौलिए का जो मिला हुआ है, क्योंकि और जिसके अनुसार किसी भी पोस्ट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो केवल फैसिलिटी प्रोवाइडर है, लेकिन अगर ये छूट वापस होती है तो उनके खिलाफ कोई भी अगर कोर्ट में जाता है किसी पोस्ट को लेकर तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पार्टी बना सकता है। ऐसे में लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से हम ये टकराव देख रहे हैं, तलखी हम देख रहे हैं, लगातार ये बढ़ती जा रही है, ट्विटर भी लगातार अपने मनमानी वाले रवैये पर अड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी मतलब जायज तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या कोई समय सीमा भी अब दी गई है सरकार की तरफ से ट्विटर को? देखिए, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि 26 जून को ये मियाद पूरी हो गई है, अगर आप तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उसी दिन से ये आपको छूट खत्म कर दी जाएगी। यानी हो सकता है कि आजकल 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि आज सैटरडे संडे, हो सकता है कि अगले हफ्ते ये जो अगर ये लोग पालन नहीं करते, गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो ये जो छूट है इसके बारे में सर्कुलर एक जारी हो जाए और उसके बाद इनके खिलाफ जो भी शिकायत होगी 26 जून से ही लागू हो जाएगी। अगर किसी ने इसके बारे में कोई शिकायत की हो या कोर्ट में कोई केसेस दायर किया हो तो ये जो छूट इनको मिली हुई थी वो वापस ले ली जाएगी। कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होगा ट्विटर जैसी कंपनियों के लिए, क्योंकि आपने पोस्ट देखा होगा ट्विटर पर कई तरह के आपत्तिजनक पोस्ट जारी होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी ट्विटर इसलिए जिम्मेदार नहीं है और नहीं बताने का उसका कोई परिस्थितियां बनती है कि हम बताने के लिए मजबूर हैं।
बिल्कुल बहुत ज्यादा एक बड़ी चुनौती है ट्विटर के सामने भी कि वो किस तरह से इस अल्टीमेटम का जवाब देता है, क्योंकि लगातार सरकार काफी नाराज हो रही है क्योंकि उनका ये मानना है कि हम जो नियम बता रहे हैं उसको ट्विटर मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे देश से आई कंपनी हमारे ही देश में मनमानी कर रही है। रविंद्र आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन क्या ट्विटर टकराव चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ट्विटर मनमानी करना चाहता है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज सुबह भारत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया। इसका मतलब यह है कि ट्विटर ने वेंकैया नायडू के अकाउंट से ब्लूटिक हटा दिया। इस खबर के बाद जब आईटी मंत्रालय नाराज हुआ तो ट्विटर ने फिर से वेंकैया नायडू के अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया, यानी ब्लूटिक बैज उनके अकाउंट पर फिर से लगा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय का साफ मानना है कि ट्विटर की गलत मंशा है, इसलिए उसने देश के नंबर 2 अथॉरिटी के साथ ये सलूक किया। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने यह देखना चाहता है कि भारत किस हद तक सब्र करता है। आईटी मंत्रालय को साफ साफ ये लगता है कि ट्विटर की दलील गलत है और अब सरकार ट्विटर से कड़ाई से निपटेगी, और शायद कड़ाई के अंदेशे के डर से ही ट्विटर ने वेंकैया नायडू का ट्विटर हैंडल फिर से वेरीफाई किया है। ट्विटर की ओर से सफाई दी गई है, ये कहा है कि वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था और अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 6 महीने में एक बार लॉगिन करना जरूरी है। तो ये वो तर्क दिए गए हैं ट्विटर इंडिया की तरफ से जिनको सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इसे पचा पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि इसके बाद आरएसएस के जितने भी और कार्यकर्ता हैं या जो बड़े और नेता हैं उनके अकाउंट से भी ब्लू बैच हटाया गया है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में दशकों से काम कर रहा है। 1925 से पहले भी 1925 से लगातार लगभग 100 वर्ष हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है। और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। सूत्रों के हवाले से खबर, आज ट्विटर को आईटी मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लूटिक को बिना इन्फॉर्म किए कैसे रिमूव किया। ये भारत के संवैधानिक पद की अवमानना है जिसे सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पहले एक नोटिस देना चाहिए था, पहले उपराष्ट्रपति के दफ्तर में एक नोटिस देकर ये बताना चाहिए था कि ट्विटर की कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं, अगर उनका पालन नहीं होता है तो फिर वो एक ब्लू बैज जो एक ब्लू टिक दिया जाता है उसको हटा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे ये कदम जैसे ही उठाया एक हलचल सी मच गई, लगातार सरकार की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई और ये माना जा रहा है कि जो नोटिस अब सरकार की तरफ से जाएगा उसका जवाब भी जल्द ही ट्विटर इंडिया को देना होगा, नहीं तो सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाकर अनवेरिफाइड किया गया। कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार जो आरएसएस में वरिष्ठ पदों पर हैं उनके ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया है। यहां पर भी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई और सीधा ये कदम उठाया। देखिए मोहन भागवत का हम आपको ट्विटर अकाउंट दिखा रहे थे, एक तरफ वेरीफाइड दूसरी तरफ अनवेरीफाइड। तो ये जो एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, एक ही विचारधारा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के, उन्हीं बड़े चेहरों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश के नंबर 2 संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.